अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाई आज हम आए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे, और आपको याद होगा इससे पहले भी हमने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे वीडियो बनाई थी और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई थी आप लोगों ने, और वो वीडियो हमारी 2 लाख से प्लस पे गई थी, जिसकी वजह से जो है हमारा वॉच टाइम पूरा हुआ था और हम लोग हमारा जो चैनल है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी और हमारा जो ग्राफ जो स्टेट था वो एकदम ऊपर गया था सिर्फ इस वीडियो की वजह से जो हमने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर बनाई थी। तो आप लोग को पता होगा वो चैनल जो था हमारा वो बंद हो चुका था किसी वजहों की बिना पे, तो ये चैनल हमने स्टार्ट किया और आज फिर हम आए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे वीडियो बनाने। यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जो कभी नहीं आए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे और उनको देखने का बड़ा शौक था, तो हमने सोचा कि घर बैठे अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू देख सकते हैं, इंडिया में लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान में लोग देख सकते हैं और दुनिया में कहीं भी चाहें तो देख सकते हैं। तो बहरहाल अभी अंदर जाके वीडियो बनाएंगे। और इसी मज़ार के अंदर दो और हमारे लेजेंड थे, उनकी भी तकफीन की गई थी, जिसमें एक उमर शरीफ साहब हैं और एक हमारे इस्लामिक स्कॉलर आमिर लाका साहब मौजूद है इस यहाँ पर, जो है इन दोनों की कब्र मुबारक है। तो वहाँ पर जाके भी वीडियो बनाएंगे और आपको विजिट करवाएंगे पूरे मज़ार का और दिखाएंगे कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर कितने लोग हैं और यहाँ पर कितना रश होता है, तो तमाम चीज़ों के हवाले से आपको बताएंगे, पूरा विजिट करवाएंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो को। जी गाइस, तो ये मज़ार के बाहर का हिस्सा है जहाँ पर जो लोग हैं वहाँ लोगों का एक बड़ा हुजूम देखा जाता है, और ये देखें ये जो है वो अंदर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर जो है एक गार्ड होता है जो कि चेकिंग करता है, और उस तरीके से सिक्योरिटी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, जितना बड़ा ये मज़ार है उस तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। और बहरहाल ये जो मज़ार के हम अंदर जाते हैं, तो ये जब से स्टार्टिंग का जो हिस्सा है ये वो है जहाँ पर देखे और फूल ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और ये दूसरा गेट आता है जहाँ पर ये देखें यहाँ पर भी एक गार्ड है जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पर स्लीपर जो है अलाउ नहीं है अंदर, इसलिए वो बाहर आपको उतारनी होती है और उसके जो है कुछ पैसे होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो हमने अपने शूज़ उतार के दिए क्योंकि अंदर अलाउ नहीं थे, तो हमने ये टोकरी में रखे और उसके बाद जो है वो हम लोग अंदर की तरफ जाने लगे। ये जितने लोग आप देख रहे हैं तमाम ये तमाम शूज़ की लाइन है, ये स्लीपर दे रहे हैं अपनी, और ये देखें अब ये स्लीपर दे के हम अंदर की तरफ चले गए, और ये अंदर की तरफ जो है ये पूरा बहुत बड़ा जो है एक सहन है जहाँ पर लोगों का एक हजूम जो है ना यहाँ पर रहता है, जो तस्वीरें ले रहे होते हैं और कुछ बैठे हुए होते हैं, कुछ लंगर खा रहे होते हैं। देखें ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर उमर शरीफ साहब की जो है कब्र मुबारक है, तो यहाँ पर हम आएँगे एंड में, क्योंकि बेसिकली हमने सबसे पहले जाना है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, उसके बाद हमने यहाँ पर आना है। ये देखें ये जो है वो स्टेयर्स हैं, और इस स्टेयर्स से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। तो ये जो है आपको ये जगह जो है काफ़ी ऊंची है लेकिन लोग जाते हैं, और जब भी हम लोग यहाँ पर आए हैं हमें यहाँ पर हमेशा रश देखने को मिला है, यहाँ पर हमेशा रश रहता है, लोग एक बड़ी तादाद जो है वो डेली बेसिस पर यहाँ पर आती है मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए। और आज हम आए यहाँ पर मज़ार पर, जैसे आप मज़ार में इंटर होते हैं तो मज़ार के अंदर जाके स्टार्टिंग में भी बहुत सारी जो है वो कब्र मुबारक आती हैं, जिसमें बहुत सारे और भी जो लोग हैं उनकी कब्र है। और अब ये हम उस हिस्से में पहुंच गए जहां पर अब्दुल्ला शाह गाजी का जो है मज़ार जो है और उनकी जो कब्र मुबारक है वो इस अहाते में है, और हम यहां पर आते हैं और यहां पर हम अंदर की तरफ जाएँगे। यहाँ की बहुत सारी जगहों पर जो है वो वीडियो बनाना जो है अलाउ नहीं है, तो हमने यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से वीडियो बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैमरा उठा के ज़रा सा भी नज़र आ जाए उनको क्या कैमरे से वीडियो बनाई जा रही है, तो उसी वक्त वो आवाज़ लगा के और कैमरा नीचे करवा रहे थे। बहरहाल हमने बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर वीडियो बनाई, और उसके बाद हम यहाँ से जब बाहर गए तो बाहर खड़े हो के हमने जूम करके यहाँ की वीडियो बनाई, ताकि जो लोग ज़्यारत करना चाहें वो दूर से भी कर लें, यानी कि अगर आप घर बैठे भी ज़्यारत करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने बाहर खड़े होके दूर से इसकी वीडियो बनाई ताकि ये सही तरीके से नज़र आ जाए। और ये देखें बाहर यहाँ पर लोग जो है वो कैमरा लेके तस्वीरें भी खिंचवाने में लगे हुए थे, जो कि हमें समझ में नहीं आई बात, क्योंकि ये कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पर आप फ़ोटो सेशन करें, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि आवाम जो है वो कहीं पर भी टिकटॉक और वीडियो और पिक्चर लेने के जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बहरहाल हम यहाँ पर हाज़िरी देने के बाद हम रिटर्न जा रहे हैं बाहर की तरफ। देखें ये वो कब्र मुबारक है जो बाकियों की है, और ये देखें झूले में पैसे
काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए हैं और इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसके हवाले से मुझे पता नहीं है कि ये जो पैसे हैं ये झूले में क्यों रखे गए हैं। ये शजर नसब है जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का, जो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है अब देखें, हम स्टेट से जो है वो वापसी की तरफ जा रहे हैं, हमारी वापसी है स्टेट से, और अब हम जाएंगे नीचे की तरफ। और ये बाहर का मंज़र जो है हमने ज़रा वीडियो में कैप्चर किया, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और देखें जितनी आवाम जो है वापस जा रही है, उससे डबल आवाम जो है वो रिटर्न आ रही है ऊपर की तरफ। तो ये इस मज़ार की खूबसूरती है कि यहाँ पर माशाल्लाह से हमेशा रश रहता है, मतलब यहाँ पर जो है कभी भी आपको सन्नाटा देखने को नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस के ये बंद ना हो तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कोई ना कोई यहाँ पर आवाम, आपको एक हजूम दिखेगा आवाम का। ये मज़ार में जब अगर आप आते हैं और आपको नमाज़ की अदायगी करनी हो, तो ये मज़ार के अंदर ही एक मस्जिद बनी हुई है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा इसका सहन है। ये वज़ू खाना है, ठीक है, जहाँ पर आप वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं तो उनको वज़ू खाने का नहीं पता होता, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मस्जिद है और उसके अंदर ही वज़ू खाना है। और ये मस्जिद है और मस्जिद के बाहर से ही हमने वीडियो बनाई, बिल्कुल अंदर की तरफ हम नहीं गए, क्योंकि मकसद ये था कि ये बताना कि यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर आप वज़ू करके और नमाज़ की अदायगी करना चाहें तो आप यहाँ पर आके नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम रिटर्न मस्जिद से जो है वापस की तरफ निकल रहे हैं, बाहर की तरफ। और अब जो है एक जगह जो है आपको दिखानी है, जो कि यहाँ की एक यूनिक जगह है। देखें ये बाहर जो है जितने भी अगर आप लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने मन्नत की चीज़ें लेनी होती है तो वहाँ से धागे और ये चीज़ें ले सकते हैं। ये है चश्मा, यहाँ पर एक चश्मा था जिसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। और एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, देखें अभी जहाँ पर मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा कि बाहर जो है चेयर्स जो हैं वो सारी डली हुई हैं। देखें ये जितनी भी चेयर नज़र आ रही हैं, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई रेस्टोरेंट है, ये बेसिकली रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पर जितना भी लंगर होता है वो यहाँ पर इज्जत से कुर्सी पर बिठा के खिलाया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा जो मिस्कीन लोग हैं और जो भी गरीब हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है कि वो यहाँ पर आएँ और लंगर यहाँ पर होता है और बाइज्जत तरीके से खिलाया जाता है। अब ये है चश्मा, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की जो करामात हैं उनमें से एक ये भी है कि यहाँ पर मीठे पानी का एक चश्मा है। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमने पढ़ी थी, जो कि अंदर ही लिखी हुई थी कि यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मदार था, तो यहाँ पर जो उनके चाहने वाले थे वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे और यहाँ पर खारा पानी था, तो उन्हीं में से किसी एक ने दुआ मांगी और रात को उनके ख्वाब में बशारत हुई कि यहाँ पर इस जगह पर हमने एक चश्मा जारी कर दिया जहाँ से एक मीठा पानी जो है आपको मैसर है। और जब वहाँ पर जाया गया तो वहाँ पर मीठा पानी आ रहा था। और ये देखें ये चिल्लागा की जगह है, यहाँ पर जो है चिल्ला काटा था हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने, ये वो जगह है पूरी जहाँ पर चिल्ला काटा गया था। ये देखें ये प्रॉपर मैंने इसकी वीडियो बनाई ताकि आप लोग देख सकें, अंदर जा नमाज है, कुछ लोगों ने अंदर जो है वो पैसे डाले हुए, ताले क्यों लगाए हुए हैं इसके बारे में भी मुझे नहीं पता, इसलिए कोई कमेंट पास नहीं करना चाहूँगा। अगर किसी कोई लोग हों जिनको पता हो कि ये ताले जो है वो क्यों लगाए जाते हैं, तो अगर पता हो तो वो कमेंट में लाजमी बताएं। ये देखें चिल्ला मुबारक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो चिल्ला काटने, देखें तरह तरह के जो है रंग बिरंगे ताले जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये जितनी भी जालियाँ हैं यहाँ पर तमाम ताले लगे हुए हैं, तो इसके बारे में अगर किसी को मालूम हो तो वो लाजमी बताएं। अब ये जो जगह आपको सामने देखने को मिल रही है, ये है बेसिकली चश्मा, जहाँ पर चश्मा जारी किया गया था। ये देखें यहाँ पर मैं, अच्छा ये जो जालियाँ हैं जहाँ पर चश्मा, इसके पीछे जो है वो चश्मा है, तो मैं कैमरे से आपको सही तरीके से दिखाऊंगा, जहाँ पर पानी भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो जालियों पे जो डोरियाँ बंधी हुई है ना, इसके बारे में भी, इसका जो इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखें ये जो है पूरा चश्मे का अंदर की तरह पानी था। ये जो डोरियाँ बंधी हुई हैं इसके बारे में भी मुझे जो है इसके बारे में मालूम नहीं है। देखें ये चूड़ियाँ बंधी हुई हैं, डोरियाँ बंधी हुई हैं। अब ये डोरियाँ और ये चूड़ियाँ, ये ताले, ये क्यों यहाँ पर बांधे गए हैं, इसकी हकीकत के बारे में हमें मालूम नहीं है। अच्छा ये है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की करामात जो यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें चश्मे के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे, ये वो पानी है चश्मे का पानी, जहाँ पर लोग आके यहाँ का पानी पीते हैं। और ये हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ये बाहर का एरिया है। अब हम जाएँगे उमर शरीफ साहब की कब्र मुबारक पर, और ये वो रास्ता है जो हमने कहा था कि हम एंड में जाएँगे, क्योंकि पहले हम गए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की कब्र मुबारक पर गए, और उसके बाद जो है हम आए हैं उमर शरीफ साहब की कब्र मुबारक पे। और यहाँ पर आके हम आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे, यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो राइट साइड पे
उमर शरीफ साहब की कब्र मुबारक आ जाएगी, और उसी के बराबर में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। तो बस यहाँ पर ये देखें, ये सामने जो है जो हमारे लेजेंड थे पाकिस्तान के कॉमेडी किंग मोहम्मद उमर शरीफ साहब, उनकी जो है यहाँ पर कब्र मुबारक जो है मौजूद है। और उमर शरीफ साहब जो है वो हमारे लेजेंड थे, और सिर्फ हमारे नहीं एशिया में जितने लोग थे वो तमाम लोग उनको जानते थे, बहुत बड़े इंसान थे। तो उनकी ये कब्र मुबारक है और जहाँ पर हमने खड़े होके फातिहा भी पढ़ी उनके लिए और उनके लिए दुआएं भी की। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, जो अभी मैं कैमरे में आपको दिखाऊंगा, वो है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की कब्र। तो वहाँ पर भी हम लोग गए और वहाँ पर भी हम लोग खड़े हुए और वहाँ पर भी हमने फातिहा खानी की और दुआ की उनके लिए। तो यहाँ पर फातिहा खानी करके हम अब आगे की तरफ निकलेंगे। और यहाँ का जो मज़ार पे जब आप आओ तो यहाँ पर एक अलग सा सुकून होता है। जब आप आते हैं तो आपका फिर जाने का दिल नहीं करता और आपका दिल करता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। तो हम जब भी यहाँ पर जाते हैं तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सुकून मिलता है। और यहाँ पर भी मैं काफ़ी देर तक खड़ा हुआ। अब देखें, ये जो आपको जगह देखने को मिल रही है कैमरे में, ये है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की कब्र मुबारक। ये हमने सही तरीके से इसकी वीडियो बनाई ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये वो जालियाँ हैं और इनका एक अलग सा आता खिंचा हुआ है जहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है, और अंदर जो है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, इनके ससुर और इनकी वालदा, इन तमाम लोगों की जो है वो यहाँ पर कब्र मुबारक है। तो बस यहाँ से अब हम निकलेंगे बाहर की तरफ, और ये देखें ये यहाँ पर शॉपर वाले खड़े हुए हैं, और जैसे कि अगर आपने लंगर लेना हो तो शॉपर से लेके आप लंगर ले सकते हैं। और सामने आपको एक बड़ी सी लाइन देखने को मिलेगी, ये देखें ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, ये तमाम लोग लंगर के लिए खड़े हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह बेरोज़गारी है, तो एक गरीब इंसान का खाना मुश्किल हो गया, तो वो बेचारे अब उनके पास यही आसरा है कि वो मज़ार पे जाएं या JDC या ED में जाएं। तो बहरहाल ये आपकी हमारी वीडियो थी जी गाइस। तो वीडियो आपने देखी, और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग को पता चले आजाद अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो है वो कहाँ पर है, कैफ्टन की साइड पर। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम है और बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते थे, तो हमने इसीलिए वीडियो बनाई ताकि आप लोग घर बैठे देख सकें। और यहाँ पर हमने आपको जो है उमर शरीफ साहब की कब्र भी दिखाई, उसके अलावा आमिर लियाकत साहब की भी कब्र दिखाई, और ऊपर तक गए, पूरे मज़ार का विजिट करवाया अपने तरीके से, हमने पूरा विजिट करवाया। तो जितना हो सकता है जहाँ जहाँ कैमरा अलाउ था हमने उसको कवर किया, सारी चीज़ें दिखाई। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।